हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा नीट इन्फॉर्मेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि एम्स व जिपमर में एडमिशन नीट 2020 के स्कोर के बेस पर होगा, मगर काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट है कि क्या एम्स में भी स्टेट कोटा होगा। इसमें काउंसलिंग के टाइम पर इसमें AIIMS की तरह अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाएगा क्या? जिपमर में एडमिशन कैसे होगा? ये काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है। तो NTA ने अपने इन्फॉर्मेशन प्लेटिन में क्लियर कर दिया है कि एम्स व जिपमर में एडमिशन कैसे होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU और AMU में कोई स्टेट कोटा नहीं होता है, इसी प्रकार से एम्स में भी कोई स्टेट कोटा नहीं होगा। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह इसकी काउंसलिंग भी MCC द्वारा करवाई जाएगी। NTA ने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में AIIMS के लिए अलग से क्राइटेरिया सेट किया बताया है, लेकिन एम्स व जिपमर के लिए लिखा है कि इनकी काउंसलिंग MCC द्वारा DU, BHU व AMU की तरह ही करवाई जाएगी। इससे यह क्लियर होता है कि इसमें एम्स व जिपमर के लिए अलग से कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया जाएगा, BHU, AMU की तरह ही मेरिट बेस पर एडमिशन होगा। जिपमर का एडमिशन भी एम्स की तरह ही होगा, मगर जिपमर में पहले से ही स्टेट कोटा निर्धारित है। इसमें पुडुचेरी के कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व्ड हैं, वो सीट पहले जैसे ही रिजर्व रहेंगी। मतलब कि जिपमर में स्टेट कोटा एप्लीकेबल रहेगा, मगर एम्स में कोई स्टेट कोटा नहीं होगा। दोस्तों, मैंने NTA का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थ्रोली पढ़ा है, इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि एम्स कोई स्टेट कोटा नहीं होगा एम्स में, और नहीं इसमें एडमिशन के लिए कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया जाएगा। वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा, आपके पास अभी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं। आप आसानी से एम्स व जिपमर जैसे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ही ज़रूरत है। अब आने वाले समय में की गई मेहनत आपको एक अच्छे स्कोर पर पहुंचा सकती है। आपका व आपके पेरेंट्स का सपना साकार हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा आपके द्वारा की गई मेहनत पर। ईश्वर से यही कामना करते हुए कि आपका अच्छा स्कोर आए और अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।